ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार वॉइस कन्फर्म करो ना चैट बॉक्स में। Yes, the voice confirm karana online students. चलो आई थिंक लेवरेज हमने कंप्लीट कर दिया लास्ट क्लास। चलो अपन नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग देना, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो देखना ध्यान से, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरे फाइनेंस में वो कौन से सेगमेंट में फॉल होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि क्या हेल्प करेगा वो आपको। सो हाउ टू रेज फंड, फंड जो रेज करना है ना वहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिग्निफिकेंस है। और हम लोग जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चैप्टर को तो ये परफेक्ट टाइम है कि अपने उसका इंपॉर्टेंस समझ ले कि रियल लाइफ में एग्जैक्टली ये क्या काम करने वाला है, क्लियर है। सो मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये सेगमेंट में फॉल होता है, ठीक है। आपका वो ये पहले से बताया हुआ आपको कि कोई भी चैप्टर जब पढ़े तो आपको क्लैरिटी रहे, क्लियर है। और एक क्लैरिटी ऑलवेज रखना कि सारे जो फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेता है दैट इज टू मैक्सिमाइज दी शेयर प्राइस। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पहले आपको कैलकुलेट क्या करना है वो ध्यान से सुनो आप लोग, एंड देन पैरेलली आई विल एक्सप्लेन दी रियल लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है। इसको रियल लाइफ आप कहाँ अप्लाई करते हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स जो आपका लॉन्ग टर्म फंड है ना, लॉन्ग टर्म फंड आपको बिजनेस में लेट से 1 करोड़ रुपीज का रिक्वायरमेंट है, और ये जो 1 करोड़ की बात हो रही है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि 2 महीने 6 महीने के लिए रिक्वायरमेंट है, मेरे को वो बिजनेस में 5 साल फंड लगाना पड़ेगा, देन आई विल जनरेट दी रिटर्न, फिर मेरे को पैसे वापस मिलेंगे। रिटर्न तो मिलेगा पहले साल से ही, बट जो पैसे लगे ना वो 5 या 10 साल के बाद वापस मिलने वाले। सो वी रिक्वायर लॉन्ग टर्म 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपए चाहिए आपको, क्लियर है। तो इसको सोर्स करवाने के 3 तरीके या 3 सोर्स हैं। एक है आप लोन ले लो या तो फिर डिबेंचर्स इश्यू कर दो, ठीक है। वो सेम ही है, लोन लेना डिबेंचर इश्यू करना इज द सेम स्टोरी, दोनों को इंटरेस्ट देना होता है। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना, एंड थर्ड इज व्हाट, इक्विटी शेयर इश्यू करो। तीसरा, सॉरी, चौथा कोई तरीका नहीं है,
कोई बोले सर बैंक से लोन लेना, तो लोन ही लेना है ना वो, तो कोई इंडिविजुअल से लो, बैंक से लोन लो, वो सब एक ही है, कंफर्टेबल है सर। मतलब ये तीन के अलावा चौथा कोई सोर्स नहीं है, आप घर पे क्रिएट कर दो वो अलग बात है, ठीक है। बाकी ये तीन सोर्स से आप पैसे लॉन्ग टर्म के लिए ला सकते हो, कंफर्म है अपने ना। सबसे सिंपल जो होने वाला है ना वो है डेट, मतलब जो आप लोन से पैसे लोगे, ठीक है। तो हम उसी का एग्जाम्पल देते हैं कि हमको करना क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में व्हाट वी वांट टू अचीव। पहले तो नहीं, ये चैप्टर आपका 5 to 7 मार्क्स का है, ठीक है, अगर किसी को वो हैबिट है लिखने का कि कितने मार्क्स का आएगा। मैं ना, मैं ऑलवेज, ये आप रिमार्क याद रखना, नहीं आया तो मेरा कोई गारंटी नहीं है, ये ऑन एन एवरेज आता है इतना, ऑन एन एवरेज, ठीक है। और वो कब पेपर स्टाइल अपना चेंज कर दे या वेट चेंज कर दे, कोई भरोसा नहीं है, क्लियर है। जैसे ना अभी एक कैपिटल बजटिंग करके एक चैप्टर आएगा जिसमें मैं 12 से 15 मार्क्स लिख पाऊंगा, लास्ट टाइम में 40 मार्क्स का पूछा था, ठीक है, एक चैप्टर, मतलब वो फिर आप पकड़, 40 मार्क्स का पूछा है उसका मतलब क्या है कि बाकी जहां जो 5 to 7 5 to 7 लिखवाए ना वो कट हुए है, क्लियर है। तो है ना, कोई फैकल्टी आके बोले भी ना कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम है, तो आपको सिर्फ सुन लेना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या पूछेंगे ना वो किसी को नहीं पता है, देन मेक श्योर कि अपने सारे चैप्टर्स कर रहे हैं, क्लियर है। चलो, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5 to 7 मार्क्स है। अब अगेन वहीं पे आ जाते हैं जहां पे अपना डिस्कशन चल रहा था कि व्हाट वी वांट टू अचीव थ्रू दिस चैप्टर। तो मान लो आपने लोन लिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है, वैसे आपको फंड ज्यादा रिक्वायर्ड था, बट अभी अपने एक बार एक बेसिक अमाउंट पे फोकस करते हैं, दैट मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है मार्केट से, और मुझे अब ये जानना है थ्रू कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कि इस पे मुझे परसेंटेज टर्म में कितना कॉस्ट पर एनम पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, परसेंटेज टर्म में कितना पर एनम मैं पे कर रहा हूं ऑन दैट 1 लाख रुपीज, उसका आंसर कौन प्रोवाइड करेगा आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब मैं ये बोल रहा हूं ना तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि ये तो बहुत सिंपल है, और एक्चुअली सिंपल भी है। क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आप, ध्यान से सुनो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग ने लोन लिया 1 लाख रुपए का, और हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इस पे पर एनम हम कितना परसेंटेज कॉस्ट, कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट वो बेयर कर रहे हैं, उसको मुझे परसेंटेज में लिख के दो, ठीक है, परसेंटेज में कैलकुलेट करके दो। तो किसी किसी को क्या आएगा कि इसमें कैलकुलेट क्या करना है, जिससे लोन लो उससे पूछ लो इंटरेस्ट रेट, पहले तो वही है ना। तो मैं बता देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट आपके लोन का 10% है, तो अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो ये जो 1 लाख रुपए का आपका फंडिंग कॉस्ट है, 1 लाख रुपए आपने फंड रेज करा है, उसका जो कॉस्ट है पर एनम, प्राइमा फेसिया यू आर फीलिंग इट इज व्हाट, 10% पर एनम जो इंटरेस्ट रेट है। सी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है, इट विल प्रोवाइड यू योर फंडिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ पर एनम, ठीक है, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पर एनम, कि भाई पूरे साल में आप कितना परसेंटेज टर्म में कॉस्ट बेयर कर रहे हो। तो अगर अपने लोन की बात कर रहे हैं, जो सबसे बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, तो आपको क्या लगने वाला है कि जो इंटरेस्ट रेट है वही आपका क्या होने वाला है, फंडिंग कॉस्ट। बट इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल, ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट है इसमें टू गेट दी एग्जैक्ट नंबर। इंटरेस्ट रेट डज नॉट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये समझ लो आप, ठीक है। उसमें सबसे बेसिक एडजस्टमेंट मैं आपको ऐसे शेयर कर रहा हूं सो दैट आपको ये क्लिक हो कि चैप्टर का जेन्यूनली रिक्वायरमेंट है। फिर मैं वो बताता हूं कि ये जो परसेंटेज हमने निकाला ना उसका कहां यूज करने वाले हैं, क्लियर है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है 10%, ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे एडजस्टमेंट है, जिसमें से एक एडजस्टमेंट क्या है कि आपने 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई करा है, क्लियर है, और 1 लाख रुपए का लोन आपको मिल भी गया है, बट ये एप्लीकेशन के प्रोसेस में बैंक हैज कलेक्टेड अ प्रोसेसिंग फीस ऑफ ₹2,000, ठीक है। लोन 10 साल का है या 50 साल का है, जब भी आपको वापस देना है, ठीक है, बट ये लोन का एप्लीकेशन में आपको मिल भी गए पैसे, बट बैंक हैज कलेक्टेड अ प्रोसेसिंग फीस ऑफ ₹2,000। क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में कि सिर्फ एकेडमिक में हो रहा है, होता है। सो अगर ₹2,000 का प्रोसेसिंग फीस हो गया है तो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव रिसीव्ड एज अ फंड दैट इज 98,000, कितने रुपए आपको हाथ में आए, 98,000। अब आपको इंटरेस्ट किस पे देना है, 98 पे कि 1 लाख पे, 1 लाख पे। सो क्या कैलकुलेट करें, 1 लाख का 10%, 10,000 इज योर इंटरेस्ट, 10,000 इज योर इंटरेस्ट,
और आपने क्या पूरे 1 लाख यूज करे? आंसर इज नो, वी आर ओनली यूजिंग व्हाट 98,000 इंटू 100 इंटू 100, सो दैट मेरे को परसेंटेज में कितना कॉस्ट आ रहा है वो पता चले। आई एम यूजिंग 98,000 ऑफ फंड और हर साल 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे, तो आंसर क्या आ रहा है? 10.2%। ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट नहीं है, मैं वापिस से बोल रहा हूँ, ऐसे दो तीन एडजस्टमेंट आपको कॉस्ट ऑफ डेट में ही करना है, डिबेंचर में ही करना है या लोन में ही करना है, ठीक है? प्रेफरेंस में अलग एडजस्टमेंट है और इक्विटी तो सबसे डेंजरस है, क्योंकि इक्विटी वालों को एज सच कमिटेड कुछ देना ही नहीं होता है। जैसे आपने लोन लिया तो उनको इंटरेस्ट देते हैं, प्रेफरेंस शेयर रेस करोगे तो उनको क्या दोगे? डिविडेंड, कमिटेड डिविडेंड। इक्विटी वालों को क्या दोगे? कुछ नहीं, मतलब कमिटेड तो कुछ नहीं दिया जाता है, क्लियर है? सो जस्ट मैं आपको ये इंडिकेट कर रहा था अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कि इंटरेस्ट रेट डज नॉट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ठीक है? इंटरेस्ट रेट डिवेंचर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट को आपको बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे 1 लाख का लोन है, आपको 98,000 मिला, तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन 1 लाख, बट आपको यूज करने कितने पैसे मिले? ओनली 98,000। कंफर्टेबल है? सो ये बहुत सारे एडजस्टमेंट है जो आपको सीखना है वाइल कैलकुलेटिंग योर फंडिंग कॉस्ट। अब बात आती है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फंडिंग कॉस्ट इन रियल लाइफ, क्लियर है? सो दो उसके मेजर यूज हैं, एक वाइल रेजिंग फंड, ठीक है? वाइल रेजिंग फंड, जब आप फंड रेज कर रहे हो ना, लेट्स से मेरे को 10 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है और आपको दो तीन लोग ऑप्शन दे रहे हैं ए बी और सी, क्लियर है? तो आप ये ना, ये 10% पे आपको दे रहा है, ये 10.5 पे दे रहा है, ये इंटरेस्ट रेट है पर एनम, और ये दे रहा है आपको 11% पे। तो आपका जो बेसिक स्क्रीनिंग है ना, वो बोलेगा क्या कि 10% वाला सस्ता है, ले लो। बट वो तो आपका बेसिक स्क्रीनिंग हुआ ना। डिटेल में क्या देखना पड़ेगा कि ये 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं जब, क्या कोई प्रोसेसिंग फीस है ये बैंक से? ये तीन अलग अलग बैंक है, तो मान लो है प्रोसेसिंग फीस। मान लो ये वो क्या बोल रहा है कि 10 लाख रुपए में से 50,000 प्रोसेसिंग फीस होगी, ठीक है? तो आपके हाथ में कितने आने वाले हैं? 9.5 लाख। ये बोल रहा है कि प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो होगी 20,000, और ये बोल रहा है कि कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, जीरो, ठीक है? स्कीम चल रही है कि प्रोसेसिंग फीस इज जीरो, बैंक ए बी। और ऐसा भी होता है बहुत बार प्रोसेसिंग फीस जीरो भी है। तो अगर आपने इफेक्टिव कॉस्ट निकाला ना, ये तो इंटरेस्ट रेट है, बट अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो तो ये 10 लाख पे 10%, तो 1 लाख का इंटरेस्ट आ रहा है, डिवाइड बाय कितना करे? 9.5 ना, 9.5 समझ में आ रहा है? 9.5 सेट हो रहा है, 10.58। एक क्या ना, थोड़ा ना चेंज कर दे इसमें ना, 1 लाख का प्रोसेसिंग फीस कर दो आप, ठीक है? तो 9 लाख ही आएगा ना डिवाइड बाय। ओके तो 1 लाख डिवाइडेड, इंटरेस्ट आपको 9 लाख पे नहीं देना होता है, इंटरेस्ट तो आपको मेन जो अमाउंट है उस पे। तो ये कितना रहा है? 11.11। ये आपका इफेक्टिव कॉस्ट आया बैंक ए का। बैंक बी पे इंटरेस्ट 10 लाख पे होगा, सॉरी, हाँ, 10 लाख का 10.5% कितना आ रहा है? 1 लाख, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख में से 20,000 माइनस हो जाएंगे, सो 9,80,000, 10.71। और लास्ट वाला 10 लाख का 11%, तो 1,10,000। और पूरे पैसे यूज करने मिल रहे हैं, 10 लाख रुपए पूरे यूज करने मिल रहे हैं, तो इसका फंडिंग कॉस्ट क्या आया? 11। सो ये तीनों में से लोएस्ट क्या है? 10.71। इनफैक्ट जो सबसे लोएस्ट लग रहा था ना, वो तो हाईएस्ट हो गया, 11.11। कंफर्टेबल है? फॉरन मैं वापस से बोल रहा हूँ, वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दी टॉपिक। तो मैंने बहुत बेसिक बेसिक डेटा लिया है और मैंने सिर्फ एक एडजस्टमेंट सिखाया आपको कि आप जो समझ रहे हो ना कि इंटरेस्ट रेट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट, दैट इज रॉन्ग माइंड सेट, ठीक है? आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए। और यूज क्या हुआ? एक तो यूज आप समझ रहे होंगे कि अगर हम फंड रेस कर रहे हैं और आपके पास मल्टीपल सोर्सेस से पैसा अवेलेबल है, तो किसी एक सोर्स से लेना है आपको, डेट में 4 लोग लोन देने रेडी है, तो कौन से वाले सोर्स से फंड उठाना है उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा सारे सोर्सेस का, और उसमें से जो लोएस्ट आएगा दैट सोर्स विल बी सिलेक्टेड। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट रेट को देख के नहीं बोलने वाले अपने, एकदम पिन पॉइंट नंबर चाहिए। और पिन पॉइंट नंबर का कैलकुलेशन अभी जो अपने कर रहे हैं ना, और थ्रू आउट द चैप्टर आप सीखोगे कि
कि क्या क्या एडजस्टमेंट आपको देखने पड़ेंगे। एक एडजस्टमेंट ये दिखा दिया मैंने कि लोन जितने का ले रहे हो या डिबेंचर जितने का इश्यू कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं, नेट ऑफ आपके हाथ में कितने आ रहे हैं, क्लियर है। इनफैक्ट इसका एक प्रॉपर वर्ड है जिसको बोला जाता है नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स दैट यू आर रिसीविंग वो आपका डिनोमिनेटर बनता है, लोन अमाउंट आपका डिनोमिनेटर नहीं बनता है, क्लियर है। सो क्या आपने कंक्लूड करा अभी तक, वॉट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल? तो आपका फंडिंग कॉस्ट कैलकुलेट किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पर एनम। वॉट इज द यूज ऑफ दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? तो एक यूज में बोल चुका हूं कि अगर आप फंड रेस करते हो और आपके पास मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है, लोन चार लोग देने वाले हैं, तो चार में से जो सबसे कम रेट पे देगा, नॉट इंटरेस्ट रेट, सबसे कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसका होगा उसको अपने सिलेक्ट करेंगे। दूसरा यूज क्या है, जो अपने जो आपका जो पूरा स्कोप दिखा है ना फाइनेंस का, उसमें नहीं लिख पाया, वो ये है, ध्यान से सुनना, कि जब आप फंड रेस कर रहे हो तो कहीं लगाना होगा पैसे, कि घर पे रखना है, लगाना होगा ना। अगर कॉमन सेंस है, बहुत सारे लोगों को मजा आता है, बोले घर पे पैसे होना तो देखने में अच्छा लगता है, वो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप फाइनेंस के पर्सन हो तो अगर आपके पास कुछ भी आइडल फंड पड़ा है ना जिसका आप यूज नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप अपनी कंपनी की वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगर आप कहीं लगा दोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट तो मिलेगा, आपका दिमाग नहीं चला और आपने पैसे छोड़ दिए, क्लियर है। तो वहां पे आपका मतलब वीकेंड से आपके अगर कोई इवेल्यूट कर रहा है आपको एज अ फाइनेंस मैनेजर, तो आपको डीमेरिट पॉइंट दे देगा कि भाई इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि फंड यहाँ पड़ा है और कुछ दिनों के लिए। और ऐसा है ना, आप बैंक के पास जाओ ना तो बैंक 50 दिन की FD भी करती है, 100 दिन का भी FD होगा, 200 दिन का भी होगा। मान लो आपको पता है कि मेरे पास अगले 50 दिन तक 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, तो आपको उसको FD में रख देना चाहिए, 50 दिन का FD तो होता ही है, होता है, जेन्युइनली मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप चेक करना। दूसरा यूज क्या है, मैं वो बता रहा हूँ, देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेकंड यूज क्या है, कि आप ना एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो और प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये प्रोजेक्ट जो हम लोग पैसा लगा रहे हैं ना, वो 15% रिटर्न देने वाला है। कितना रिटर्न देने वाला है? 15। अब ये पैसे आपके पास नहीं है, इवन अगर आपके पास है ना तो उसका भी एक कॉस्ट है। आपके पास पैसे पड़े हैं, लेट से आपने बहुत सालों से प्रॉफिट जनरेट करा है और आपके पास 50 लाख रुपए फ्री के पड़े हैं, तो उसका क्या कोई फंडिंग कॉस्ट नहीं है कि वो फ्री आएगा? उसका भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। अगर आपके पास कहीं और लगाने का अपॉर्चुनिटी है और आप प्रोजेक्ट ए में डाइवर्ट कर रहे हो, तो आप उसको कंपेयर करोगे। कोई भी फंड फ्री में नहीं अवेलेबल है, क्लियर है। इवन तो आपका खुद का हो ना, तो उसका भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आई। बट अभी समझने के लिए मान लो कि हम लोग 10 लाख रुपए बाहर से ला रहे हैं, ठीक है, और हमने ये डिसाइड करा है कि प्रेफरेंस से इक्विटी से या डेट से लाएंगे, कोई भी एक सोर्स से लाओगे आप। तो जब वो सोर्स से आप पैसे ला रहे हो ना, तो आपको उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना, इट इज अ काइंड ऑफ मैंडेटरी बिफोर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्यों मैंडेटरी है? बिकॉज आपको ये पता है कि ये पैसे जहां डाइवर्ट हो रहे हैं ना, वी विल जनरेट 15% रिटर्न। अगर आपको फंडिंग कॉस्ट ही नहीं पता है, और मान लो गलती से फंडिंग कॉस्ट निकल गया 18 और रिटर्न कितना आ रहा है 15, तो ये तो वेल्थ डिस्ट्रॉय होगा ना। 3% आप घर से दोगे अपने, क्योंकि जहां से पैसे ला रहे हैं, मैं वापिस से बोल रहा हूँ, अगर आपके खुद के पैसे लग रहे हैं ना, उसका भी एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कोई कि नहीं होता, आपको क्या लग रहा है खुद के पैसे का कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है? ऐसा नहीं होता होगा, खुद के पैसे किसको क्या देना है? कुछ नहीं देना है ना, कुछ उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है। तो आप है ना किसी से मांग लेना ऐसे ही कि मेरे को दे दो, कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, मतलब कोई फंडिंग कॉस्ट नहीं होगा। या तो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो तो यहाँ आपने सबमिट करवा दो, ठीक है, आपका कोई फंडिंग कॉस्ट नहीं है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल है यार, कहीं पे भी पैसे आपके हो, खुद के पैसे हो और आप बिजनेस में लगा रहे हो, तो उसका भी एक फंडिंग कॉस्ट तो है ही, ठीक है। और फंडिंग कॉस्ट को अपने एकेडमिक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, बाहर लेमेन में वो फंडिंग कॉस्ट वर्ड यूज होता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के बाद आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी ले सकते हो कि ये रिटर्न कितना दे रहा है, 15। अगर ये पैसा जहां से आ रहा है उसका फंडिंग कॉस्ट 12 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12 है, तो इट इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर योर इन्वेस्टमेंट, आप जा सकते हो ना, बिकॉज यू विल जनरेट 3% एक्स्ट्रा। 12% उसको देना है जहां से पैसा आ रहा है, 15% हम कमाएंगे, तो 3% हम अपने लिए अर्न कर रहे हैं, क्लियर है। तो आप यस कह सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को।
अगर यहाँ पे 20 है और आप रिटर्न 15 कमा रहे हो, तो फिर ये इट इज नो टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको मना करना पड़ेगा, बिकॉज 5% का शॉर्टफॉल आएगा, क्योंकि पैसे जहां से रेज हो रहे हैं वो 20% मांग रहा है, और आप ये प्रोजेक्ट में लगा के कितने कमा रहे हो, 15। ठीक है, अब है ना, ये जो मैंने कंपेयर करवाया ना, वो आपका कैपिटल बजटिंग में बहुत प्रोमिनेंटली आएगा। ठीक है, कि वी आर कंपेयरिंग अवर फंडिंग कॉस्ट वर्सेस व्हाट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न। एक और चीज सुनना ध्यान से, एक एक फाइनेंस में एक काइंड ऑफ सेइंग है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ बेंचमार्क रेट टू इवैल्यूएट योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेंचमार्क रेट और कट ऑफ रेट, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आप इवैल्यूएट करना चाह रहे हो ना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक कट ऑफ रेट है। अगर उससे नीचे आप कमा रहे हो तो वो प्रोजेक्ट को अपने मना कर देंगे, उससे ऊपर ही आपको कमाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज कंसिडर एज अ कट ऑफ रेट और बेंचमार्क रेट। कंफर्टेबल है? चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एग्जिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पर ईयर, और सिंपल बोलो तो फंडिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पर एनम। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फंडिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? सो दो यूज है, एक बहुत सारे सोर्सेज है आपके पास और आपको एक सोर्स सिलेक्ट करना है, तो जिसका फंडिंग कॉस्ट कम होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसका कम होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा क्या यूज है इसका, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट का कॉल आए तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टमेंट में जो पैसे लग रहे हैं उसका रिटर्न 15 आ रहा है या जो भी आ रहा है, उसके कंपेयर में इसका फंडिंग कॉस्ट क्या है। अगर फंडिंग कॉस्ट कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है और रिटर्न आपका ज्यादा आ रहा है, तो इट इज यस टू द इन्वेस्टमेंट, आप हाँ बोलोगे, और अगर रिवर्स है तो आप मना कर दोगे। क्लियर है? ये सेकेंड वाला पार्ट मैंने लिखवाया नहीं, क्योंकि है ना, ये कैपिटल बजटिंग में प्रॉपरली कवर होता है। मैं जस्ट बता रहा हूं कि कैपिटल बजटिंग जब आप करोगे ना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बिना कैपिटल बजटिंग हो ही नहीं सकता है। कैपिटल बजटिंग इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। तो जब आपको प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करना होगा, तो वहां जाके कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखने नहीं वाले, वहां पे तो वो लोग दे देंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15, बट एज अ स्टूडेंट अपने को ये पता चलना चाहिए कि ये निकाला कैसे होगा। तो वो पहले सीख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे आप, तो उसका एक सेपरेट कैलकुलेशन है जैसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो ध्यान देना अब आप लोग। सो आपने स्टार्टिंग में लिखा है कि आपके जो सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल है ना, वो तीन है, एक आपका डेट, ठीक है, जो डेट रेस करोगे वो, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, और तीसरा क्या है आपका, इक्विटी। तो हम लोग जो पहला सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स या कॉस्ट ऑफ डेट। क्लियर? जो डेट लेने से, इसमें लोन और डिबेंचर दोनों आ गए, मेजर ही आपके डिबेंचर होंगे, बट अगर लोन है तो अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वही सेम अप्रोच से आप अपना कॉस्ट निकाल पाओगे। क्लियर है? ओके, अब है ना, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ डेट निकालते अपने, उसका एक नोटेशन है, दैट इज केडी। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कॉस्ट का तो सी होता है, ठीक है, ये के कहां से लाए? नोटेशन तो है ना, अगेन नोटेशन, सी किसी और को डिनोट कर दिया होगा, ठीक है, तो के लाए अपने, और उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सो केडी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट, कंट्रीब्यूशन आपके वो कॉस्टिंग का है, ये केडी है कॉस्ट ऑफ डेट, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, और केई। अब तो समझ आ रहा होगा ना, दो बोल दिया है, और है ना, आप समझो, ये नोटेशंस मैं इनिशियली क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ना सम में ऐसा नहीं बोला होता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दे विल आस्क टू कैलकुलेट केई, फिर आप ढूंढ रहे हो कि केई मतलब क्या। ठीक है, सो एक बार ये लिख दो, इट इज नोन एज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड।
हो गया, कंप्लीट लिख लिया ना? चलो तो अपने ना डेट से स्टार्ट करना है, तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखना कॉस्ट ऑफ डेट। वो ना मार्क्स आपने लिखे, मैंने लिखवा दिए, ठीक है? 5 to 7। ओके अपना जो डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है वो डेट के रिलेटेड स्टार्ट हो रहा है, और डेट में ना मोर और लेस आपको डिबेंचर ऑपरेट करना है और लोन आ जाए ना तो सेम स्टोरी है, ठीक है? कोई चेंज नहीं है, क्लियर है? अब एक बार ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे अपने ना फॉर्मूला लिखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली वी विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। और ना फॉर्मूला में जितने भी जो आपको समझ आ रहा है, देखो फर्स्ट इंस्टेंस में आपको क्या लगेगा, डिबेंचर का कॉस्ट होता है इंटरेस्ट। वो तो अपने गलत प्रूव कर चुके हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपका प्रोसेसिंग फीस होता है, क्लियर है? लेट से आपने एक डिबेंचर इश्यू करा है 100 रुपीज का, 100 रुपीज इज अ फेस वैल्यू, क्लियर है? और उस पे जो इंटरेस्ट रेट आप पे करने वाले हो, इंटरेस्ट रेट हम जो पे करने वाले हैं वो है लेट से 12%। इंटरेस्ट रेट कितना पे करेंगे अपने? 12। ओके 100 रुपीज इज अ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। अब लिखना नहीं आपको, मैं बोलू तब लिखना, ठीक है? इश्यू प्राइस इक्वल टू। अब ना इश्यू प्राइस बताने के बहुत सारे तरीके हैं। दे कैन कोट लाइक इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो 120 हो गया। या सीधा बोल दे इश्यू प्राइस इक्वल टू व्हाट, 120। तो इश्यू प्राइस इन्होंने दिया हुआ है 120, क्लियर है? और अगर मैं आपको बोलूं कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब डिबेंचर का कॉस्ट निकालो आप, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? केडी इक्वल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है? न्यूमरेटर में क्या होने वाला है? इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय एनपी। एनपी का मतलब हो रहा है नेट प्रोसीड्स। ओके नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या पता है? कि आप कितने पैसे यूज कर रहे हो, क्लियर है? तो 100 रुपए का डिबेंचर बल है, बट आपने इश्यू कितने में करा है? 120। तो आपके पास 120 आए कि 100 आए? 120। और ध्यान से सुनना, साथ में एक और टर्म होता है, जब आप डिबेंचर इश्यू करते हो तो एक कॉस्ट लगता है, दैट इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। ये वर्ड सुना है आपने? फ्लोटेशन कॉस्ट इज ₹5। फ्लोटेशन कॉस्ट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेसिंग फीस ऑफ लोन। लोन आप अप्लाई करते हो तो प्रोसेसिंग फीस होता है, फीस होता है ना, प्रोसेसिंग फीस। नहीं भी होता है ऐसा, हर बार कोई मैंडेटरी नहीं है। वैसे आप डिबेंचर इश्यू करते हो तो वो हवा में इश्यू होते हैं, आपने बोला और पैसे आ गए क्या? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इश्यूइंग डिबेंचर? डिबेंचर इश्यू करना हो तो आपने बोला या रात को सपना आया और कल इश्यू हो गए और पैसे अकाउंट में आ गए। हाँ हाँ जैसे आप इक्विटी शेयर इश्यू करते हो ना, वो सारे प्रोसेस आपको डिबेंचर इश्यू करने के टाइम भी फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू कम अप विद एन प्रोस्पेक्टस, जहां पे आप ये लिखोगे कि ये पैसा जो आ रहा है ना उसको कहाँ यूज करने वाले हम लोग, और हम कब रिडीम करेंगे ये डिबेंचर को, कब पैसे आपका वापस होंगे, और ये पैसे कैसे कंपनी के बेटरमेंट के लिए यूज होने वाले हैं। देन यू हैव टू टेक दी अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया होगा तभी ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ी होगी, आपको सेबी से अप्रूवल मिला होगा। ये सब करने के बाद आपको वो जो एडवर्टाइजमेंट जैसे आपकी इक्विटी के लिए होती है ना, इन अ सेम मैनर डिबेंचर के लिए भी होता है, क्लियर है? आप अभी गूगल करोगे ना करंट डिबेंचर्स जो ओपनिंग में है, तो आपको मिलेंगे कुछ ना कुछ बॉन्ड और डिबेंचर, जैसे शेयर्स होता है वैसे डिबेंचर्स का भी आप वो एक आईपीओ नहीं कह सकते उसको, वो ना डेट लिस्टिंग जैसा वर्ड यूज होता है, ठीक है? डेट को आप लिस्ट करवा रहे हो, और जैसे इक्विटी शेयर बिकता है ना मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, वैसे आपका डिबेंचर भी बिकता है, ठीक है? इक्विटी शेयर्स के तरीके से बिकता है वो, क्लियर है? सो फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स व्हाट? इट इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग योर डिबेंचर इनटू मार्केट, ठीक है? आपको अपना डिबेंचर मार्केट में फ्लोट करवाना है ना, तो उसके लिए आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। कंफर्टेबल है ये?
तो आपके हाथ में, आप इश्यू कर रहे हो 120 में, आपके हाथ में कितने आ रहे हैं? 115। 120 में से ₹5 तो आपका फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया, तो नेट नेट यू आर रिसीविंग व्हाट? ओनली 115। सो नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला क्या है? एनपी का फॉर्मूला है इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, तो इश्यू प्राइस इज 120, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5, सो नेट प्रोसीड्स आपके हाथ में कितना आया? 115। क्लियर है? सो यहां पे आ जाओ, इन टू हंड्रेड, सो दैट अपना आंसर किसमें आ जाए? परसेंटेज। ओके, सो इंटरेस्ट अमाउंट ध्यान से देखना, इन अ गिवन सिनारियो योर इंटरेस्ट इज व्हाट? 12%, 12% ऑफ 100। आई होप किसी को वो प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो 100 का 12% कितना आ रहा है? ₹12। और आफ्टर दिस कैलकुलेशन योर इश्यू प्राइस इज 120, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5 इंटू 100, सो 12 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100, 10.43%। दैट इज योर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स या कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, लोन अगर लिया है तो भी यही कैटेगरी से आप ऑपरेट करोगे। तो पहला फॉर्मूला जो इनकंसिस्टेंट फॉर्मूला है, इसमें और चेंजेस होंगे अभी, ठीक है, बट अपनी वो कैपेसिटी नहीं है कि एक साथ सब प्रोसेस कर पाए, तो अपने उसको सेपरेट रखा हुआ है। क्लियर है? तो केडी का जो पहला फॉर्मूला है वो ये है जो आपको लिखना है अभी, इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल मत लिखो, वो आपको मैं लिखवा रहा हूं, वो सॉल्व कर। एग्जाम्पल नहीं लिखना, जस्ट आप फॉर्मूला लिख दो। और किसी को कुछ और फील हो रहा है कि ये का क्या कर रहे हैं अपने, कि इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, परफेक्ट है ना? यस सर, ओके, नेट प्रोसीड्स एनपी में लिखना, नेट प्रोसीड्स का एनपी का एब्रीवेशन नेट प्रोसीड्स। एंड नेक्स्ट लाइन में नेट प्रोसीड्स इक्वल टू, नेट प्रोसीड्स इक्वल टू, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो बहुत सिंपल हो रहा है कि आप डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है कि आप कितने पैसे यूज कर रहे हो, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है कि वो पैसों के अगेंस्ट में आप पर एनम कितना इंटरेस्ट बेयर कर रहे हो। कंफर्टेबल है ये? देखो एग्जांपल, कैलकुलेट केडी, दो तीन एग्जांपल है, आप फटाफट कर रहे हैं आपको, चलो लिखना। कैलकुलेट केडी इफ एबीसी लिमिटेड, इफ एबीसी लिमिटेड इश्यूड डिबेंचर ऑफ ₹100, डिबेंचर ऑफ ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सो इस बार मैं अमाउंट नहीं बता रहा हूं, बट आप कैलकुलेट कर सकते हो, 110। ये क्या हुआ आपका? हाँ, ये नेट प्रोसीड्स नहीं है, ये इश्यू प्राइस है, ₹110 में इश्यू हो रहा है। फिर आगे लिखना फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉमा करके, फ्लोटेशन कॉस्ट ₹3, फ्लोटेशन कॉस्ट ₹3, इंटरेस्ट रेट फिफ्टीन, 15%। इंटरेस्ट रेट किस पे गिनोगे? 100 पे, फेस वैल्यू पे। 100 इज नॉट एप्रोप्रिएट वर्ड, फेस वैल्यू पे। ओके,
इंटरेस्ट अमाउंट इज व्हाट 100 का 15%, 15 रुपीज. नेट प्रोसीड मीन्स व्हाट? इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. इश्यू प्राइस कितना? 110. फ्लोटेशन कॉस्ट कितना था? 3 रुपीज इंटू 100. सो 15 डिवाइडेड बाय 107 इंटू 100, 14.01. हाँ मतलब 02 चलेगा. बड़े बड़े नहीं हो गए अपने अभी? वो आप है, वो चल राउंडिंग अप चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो लिखो नेक्स्ट एग्जांपल. ये ना, ये अपने जितने भी एग्जांपल लिख रहे हैं ना, वो जो ऑपरेशनल चैलेंज है ना, कि जो एरर हो सकती है, कैलकुलेटिव एरर, उसको ओवरकम करने के लिए है. ठीक है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एरर जो पॉसिबल है आपके. और ये जो तीन सोर्स ऑफ कैपिटल हमने लिखे है ना, उसमें सबसे ज्यादा टाइम अभी डेट में जाने वाला है. क्लियर है? क्योंकि ये नेट प्रोसीड्स मेरे को प्रेफरेंस शेयर में जाके एक्सप्लेन नहीं करना है. वो तो नेट प्रोसीड ही रहेगा. और आपको वो समझ आ रहा है कि हम कितने पैसे यूज कर रहे हैं ना, वो आपका डिनोमिनेटर होने वाला है, चाहे वो प्रेफरेंस हो चाहे वो इक्विटी हो. ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट है जिसको अपने वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ करना चाह रहे हैं. क्लियर है? देखो चलो नेक्स्ट. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स. इफ एबीसी लिमिटेड, इफ एबीसी लिमिटेड इश्यू 10,000 डिबेंचर. 10,000 डिबेंचर मतलब 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है. 10,000 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 18%. एट अ प्रीमियम ऑफ 18%. मतलब क्या हुआ ये? इश्यू प्राइस कितना? 118. यस, इश्यू प्राइस इज 118. इंटरेस्ट रेट 9%. इंटरेस्ट रेट कितना है आपका? 9%. फ्लोटेशन कॉस्ट इक्वल टू 30,000 रुपीज. क्या हुआ? क्या होगा? नहीं होगा ये सब? केडी इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय व्हाट? नेट प्रोसीड्स. ₹30,000 है ना, दैट इज टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू पर डिबेंचर. 9 पॉइंट समथिंग किसका आंसर आ रहा है? 9.23 इज नॉट द करेक्ट आंसर. आप एक बात समझना ध्यान से. इंटरेस्ट रेट 9% है. आप इश्यू कितने में भी करो, 100 वाला डिबेंचर 108 में करो, 118 में करो, फ्री में कर दो, फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट देना होता है. ठीक है, तो जिनका 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, दे हैव कंसीडर 9% ऑन 118 पे नहीं आएगा, वो 100 रुपए पे आएगा. ये तो बहुत बेसिक डिस्कशन है. ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए. आई होप कंफर्टेबल है अपने. अब एक बार ध्यान देना. चलो यहाँ पे अब एक बार ध्यान दो. एक्चुअली ना ये सम दो तरीके से हो सकता है, ध्यान देना आप लोग. एक है पर डिवेंचर और एक है कि सम टोटल में चला है अपने. और दोनों तरीके आने चाहिए. आपसे पूछ के नहीं होने वाला है कि आपको पर डिवेंचर आता है तो ये लो सम पर डिवेंचर का. दोनों तरीके से आपको आना चाहिए.
लेट्स कन्वर्ट एवरीथिंग इन पर डिवेंचर. तो केडी का फॉर्मूला तो यही है, केडी इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100. ओके, अब ध्यान देना इंटरेस्ट रेट कितना है 9, और इसका डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना था 100. तो 100 का 9% तो ये तो 9 रुपीज है. ओके, नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स मीन्स व्हाट? इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. तो इश्यू प्राइस आपको बहुत क्लियर बोला हुआ था 18% प्रीमियम, तो 118 होगा वो. 118 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. अब है ना, क्योंकि आप सारा सारा गेम पर डिवेंचर में ऑपरेट कर रहे हो और उन्होंने फ्लोटेशन कॉस्ट टोटल में दिया है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वर्ट टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट इनटू पर डिवेंचर. सो योर टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट इज व्हाट? 30,000. 30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवेंचर दैट वी हैव इश्यूड 10,000. तो 3 रुपीज आया. तो यहाँ पे माइनस 3 कर दे इनटू 100. सो 9 डिवाइडेड बाय 115 इनटू 100 7.83. चलो 7.83, 82 समथिंग आ रहा है ना. एंड देन यू हैव कन्वर्टेड दैट इनटू 7.83. ये हो गया. चलो 9 point something जो आंसर आया था वो चेक करो आप, ये एरर नहीं हो सकता है. आया ना कोई डाउट? नहीं है ना किसी को इसमें? चलो टोटल में देखना, सम टोटल में देखना आप लोग. फॉर्मूला तो वही है, इंटरेस्ट अमाउंट अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100. चलो एक बार ध्यान दो आप लोग, आपका अटेंशन रिक्वायर्ड है. पर डिबेंचर ऑपरेट करके चैप्टर नहीं खत्म होने वाला है, तो आप ध्यान दो यहां पे. आपने टोटल डिबेंचर कितने के इश्यू करे, तो उसका आंसर है 10,000 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच. 10 लाख के डिबेंचर इश्यू करे, 10 लाख इज अ फेस वैल्यू. 10 लाख क्या है आपका फेस वैल्यू, बट इश्यू प्राइस कितना है? सो 10,000 इंटू, हमने तो 118 में इश्यू करे, 100 रुपए में थोड़ी इश्यू करे, 118 में. तो 10 लाख इंटू 118, 11,80,000. ये आपका इश्यू प्राइस है, या इश्यू वैल्यू बोलूंगा इस बार, टोटल है. और 10 लाख क्या है आपका फेस वैल्यू. आपको इंटरेस्ट किस पे देना है, 10 लाख पे देना है कि 11,80,000 पे देना है? 10 लाख पे, क्योंकि फेस वैल्यू पे देना है इंटरेस्ट. सो 10 लाख का टोटल में ऑपरेट कर रहे हैं, टोटल में 10 लाख का 9% कितना होता है? 90,000. कुछ लोगों ने कुछ और सोच रहे हैं, आप ना ध्यान यहां पे रखो. हाँ, नेटवर्क गया ना तो ये चैप्टर जाएगा आपका, तो मेक श्योर कि अटेंटिव रहे अपने, क्लियर है? वरना अटेंशन हो ना, ऐसा एक मशीन आता है अपने पास, ठीक है? किसी को रिक्वायर हो तो बताना, ठीक है? कि मेरा फोकस नहीं रहता है, तो आप मेरे को मिलो, मैं बताता हूँ कि फोकस कैसे रहेगा. नहीं, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ठीक है? वो आपको ना रिमाइंड करवाता रहेगा कि हम लोग क्लासरूम में है, क्लासरूम में. चलो, नेट प्रोसीड्स मींस व्हाट? इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. सो इश्यू प्राइस इन टोटल चलाना है मुझे, तो आंसर क्या है? 11,80,000, और माइनस टोटल में आपका फ्लोट. अब 3 रुपीज करने की जरूरत नहीं है ना, 30,000 इंटू 100. सो 90,000 डिवाइडेड बाय 11,50,000 इंटू 100. सो योर आंसर इज 7.83%. दोनों तरीके से अपने को आना चाहिए, आप कोई भी तरीका स्किप नहीं कर सकते, क्लियर है? मतलब है ना, ये आपको अभी कंफर्टेबल ये ज्यादा लग रहा होगा कि इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करे, ठीक है? पर डिवेंचर इज एडवाइजेबल, बट है ना, बहुत बार ऐसा होगा कि फोर्स होगा आप पे कि इस तरीके से जाओ, ठीक है? कोई बोले सर मेरे को तो ये सेट हो रहा है, तो मैं बोलूँ बहुत बार फोर्स होगा कि पर डिवेंचर जाना है. तो दोनों तरीके से आना चाहिए, इट इज नॉट अ चैलेंजिंग टास्क, सिंपल है ये, कंफर्टेबल है ये. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो आप लोग, ये बाकी लिखना किसी का.
देखो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर फंड इफ एबीसी लिमिटेड इश्यूड 10,000 डिबेंचर ऑफ रुपीज 250 एट अ प्रीमियम ऑफ 25 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ, देखो रुपीज मेरे को बोलना होता तो मैं 10% प्रीमियम भी बोल सकता था, बट वो 25 रुपीज है, तो इश्यू प्राइस कितना? 275। फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपीज। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 5 रुपीज पर डिबेंचर एंड इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 15%। इसके ना दो आंसर है, एक 13.88 आ रहा होगा और किसी का 5.55 आ रहा होगा। चलो 5.55 वाला कौन है? परफेक्ट। करो हाथ ऊपर करो, ऐसे शर्माओ मत, अपने अच्छा काम करा है। बोलो बोलो हाथ ऊपर करो। कितने लोग हैं? एक। आपका भी 5.5 आ रहा है। ओके, 5.5 वालों का क्या आंसर आ रहा है? वो लोग रिदम में है, ठीक है। हाँ, रिदम क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट है वही इंटरेस्ट अमाउंट है। वो तो जब 100 रुपए फेस वैल्यू हो ना तब चलेगा, तभी चलेगा ना। अभी तक क्या हो रहा था कि फेस वैल्यू वॉज 100, मैं बोलू इंटरेस्ट रेट इज 12 तो 12 रुपए आएगा, ठीक है। तो वो रिदम चलेगा नहीं। आप देखो इस बार फेस वैल्यू इज 250, 250 पे 15% इंटरेस्ट, उसका आंसर 15 रुपए नहीं है, 37.5 है, 37.5। कंफर्टेबल है ये? सो आपका फॉर्मूला क्या है? केडी इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। तो इंटरेस्ट अमाउंट का मतलब इंटरेस्ट परसेंटेज नहीं होता है, अमाउंट आपको ढूंढना पड़ेगा हर बार। So, आपका फेस वैल्यू कितना था? 250। 250 पे 15% का आंसर कितना आ रहा है? 37.5। नेट प्रोसीड्स का मतलब है इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। सो योर इश्यू प्राइस इज 275। सो 275 में से 5 रुपीज माइनस करें, सो नेट प्रोसीड इक्वल टू व्हाट? 270 इंटू 100। सो 37.5 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 100, बोलो 13.88, 89 और 88। चलो आई होप कोई ऐसे दुखी नहीं हो रहा है, ठीक है। आ रहा है आंसर, 13.89 इज द आंसर। 5.55 वॉज द रॉन्ग आंसर। आई होप उसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा अभी। नहीं, आप एक बार सुनो ध्यान से। आप है ना, मैं वापिस से बोल रहा हूँ कि आपका यहाँ पे अटेंशन है ना, तो अभी तक हिस्टोरिकल जितनी भी एरर्स है ना वो सब एरर नहीं होगी आपसे, ठीक
ठीक है, जो लोग स्टूडेंट एरर करते हैं वो अपने पास लिखी हुई है तो वो एरर तो नहीं होने वाली है, क्लियर है? एकदम कॉमन ब्रेन चल रहा है तो ठीक है। अभी आप वो पकड़ के बैठ गए कि नहीं नहीं मेरे को वो समझाओ कि अभी तक तो आप इंटरेस्ट रेट ही अमाउंट में रख रहे थे, अभी सडनली नया क्यों लाए, तो उस फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लियर है? एक स्टूडेंट को ऐसे भी दे सकता, कहाँ लिखा है फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कर, मतलब आप दो उसको आंसर, ठीक है कहाँ लिखा है? चलो अब है ना नेक्स्ट सम लिखो, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, लिखना इफ एबीसी लिमिटेड, लिखना चलो इफ एबीसी लिमिटेड हैज इश्यूड डिबेंचर ऑफ ₹100, डिबेंचर ऑफ ₹100 मतलब फेस वैल्यू 100 है, एट ₹120 मतलब 20% प्रीमियम पे इश्यू करा है, कंफर्टेबल है ना? यस। इंटरेस्ट रेट 10%, तो इंटरेस्ट किस पे गिनेंगे? 100 पे। फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, चलो चलो फॉर्मूला तो वही है आपका, केडी इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट अपॉन एनपी इंटू 100। आपको जो ठीक लगे वो करो, चलो एक तो आंसर क्या है देखो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना परसेंटेज? 10%, उसमें किसी को डाउट नहीं है कि वो किस पे गिनेंगे? 100 पे। ओके, नेट प्रोसीड्स में क्या होगा? इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इश्यू प्राइस 120 है। एक थॉट है कि 2% गिनना है फेस वैल्यू पे, तो उन्होंने ₹2 माइनस करा होगा इंटू 100, सो 10 / 118 इंटू 100 क्या आ रहा है आंसर? 8.47। और दूसरा दूसरा चेंज क्या है कि ये इंटरेस्ट तो 10 का 10 है, इश्यू प्राइस इज 120, और दूसरा थॉट ये कहता है कि ये 2% गिनो 120 पे, तीसरा थॉट को एंटरटेन ही नहीं कर रहे, ठीक है? दो ही है, 120 का 2% कितना? 2.4 इंटू 100, सो 10 / 117.6 इंटू 100, 8.50। अब ये कोई बोले कि सर राउंडिंग अप है तो नहीं चलेगा, ठीक है? 8.47 और 8.50 ये दो आंसर है। चलो अपने वो पोल करवाते, 8.47 कितने लोग का आ रहा है? मींस आप सब लोग ये बोल रहे हो कि दैट 2% विल बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ओके, 8.50 कितने लोग का आ रहा है? ज्यादा लोग इसमें है। मेजोरिटी प्रिवेल, और क्या? चलो मैं आपको रीजन पूछ रहा हूँ, आपने ऐसा करा क्यों बताओ? 120 पे क्यों लिया? मन हो गया? चलो नहीं, ये आप समझो ध्यान से, 8.47 आप एक बार ध्यान देना, अपने कैलकुलेशन में 8.47 और 8.50 ये दोनों सेपरेट नंबर है, ठीक है? आप कोई ऐसा बोले दोनों एक ही है तो चश्मा बदलो अपना, ठीक है? दोनों डिफरेंस है, 8.47 और 8.50 में एक अजम्पशन का डिफरेंस है, एक ने 2% गिना है 100 पे और दूसरे ने 120 पे गिना है,
आपने जो गिना हो आप उसका आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि 100 पे इसलिए गिना मैंने, हाँ 120 पे क्यों गिना। इशू प्राइस पे माइनस करना है तो वो भी 100 है हमारा इशू, 120 है इशू प्राइस, तो माइनस हम उस पे ही करेंगे 2%, क्योंकि 120 माइनस 2% करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्योंकि वो इश्यू प्राइस में से माइनस करना है तो इश्यू मतलब इस वजह से इश्यू प्राइस पे गिन लिया। आपके जितना रिसीव होने वाला है उस पे 2% कॉस्ट होगा, आप फ्लोटेशन वैल्यू उसी में से माइनस कर दें, बट वो सेंस नहीं बैठता है वो तो। आप कोई में से भी मतलब मेरे को अभी कोई नंबर नहीं सूझ रहा है वरना तेरे को बता था, ठीक है। आप है ना ये आर्ग्यूमेंट तो मतलब नहीं हो सकता है ना कि आपको इस नंबर में से माइनस करना है इस वजह से उसका परसेंटेज है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता ये आर्ग्यूमेंट। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज 8.50। और एक बार सुनो ध्यान से, 8 point, और उसका चलो आप ध्यान दो यहाँ पे मेन है ना, ये तो याद भी रख सकते हैं ना, मतलब अब अल्टीमेटली क्या याद रखना है अभी कि फ्लोटेशन कॉस्ट इफ इट इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज अ परसेंटेज ऑफ इश्यू प्राइस, क्लियर है। क्यों वो ध्यान से सुनो अब आप लोग, इसका रीजन क्या है। सुना आपने एक टर्म सुना होगा अंडरराइटर्स, सुना है ना, पढ़ा भी होगा शायद आपको, कहाँ पढ़ा है अंडरराइटर्स, फाउंडेशन में आता है। हाँ अंडरराइटर वर्ड पता है अपने को, क्लियर है, जा रहा हूँ चलो ना, अंडरराइटर वर्ड पता है ना आपको, एक बार ध्यान देना। अपना जो परसेप्शन है ना फॉर अंडरराइटर्स वो ये है कि अंडरराइटर्स विल प्रोवाइड गारंटी ऑफ इश्यू, ठीक है, जो इश्यू कर रहे हैं ना अपने उसमें, वो कंपनीज एक्ट में रूल है कि 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा आपको, अगर 90% से कम अगर आपका सब्सक्राइब होता है तो वो आपका इश्यू फेल हो जाएगा, तो आपको मिनिमम 90% का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, और अगर आपको डर हो कि शायद नहीं मिलेगा तो फिर आप अंडरराइटर का हेल्प ले सकते हो, क्लियर है। अपने को इतना पता है कि अंडरराइटर विल प्रोवाइड गारंटी फॉर इश्यू, ये रियल लाइफ सिनारियो नहीं है, ठीक है, रियल लाइफ में अंडरराइटर का स्कोप थोड़ा ज्यादा है। अंडरराइटर्स जो है ना वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपके इश्यू की, ठीक है। अंडरराइटर अगर आपको एक इश्यू लेके आना है, लेट्स से यू हैव डिसाइडेड कि मैं 1 करोड़ शेयर इश्यू करना चाह रहा हूं जिसका फेस वैल्यू होगा 10 रुपीज, फेस वैल्यू कितना है 10, मतलब जो इश्यू आ रहा है अपने शेयर्स की बात कर रहे हैं ज्यादा कनेक्ट होगा आपको, तो जो इश्यू आ रहा है उसका फेस वैल्यू कितना होने वाला है 10 करोड़, जो इश्यू आ रहा है उसका फेस वैल्यू कितना होने वाला है 10 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ है, बट इसका जो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस वो 500 रुपए रखा है अपने ने, मतलब सरप्राइज मत हो, 10 रुपए वाला शेयर 5,000 में भी बिके ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज अपने वो उसकी वैल्यू है, ठीक है। कंपनी आज ही नहीं ओपन हुई, कंपनी पिछले 25 साल से काम कर रही है, ठीक है, अब उनके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में थोड़ी देंगे, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व में पड़ा है उसके लिए वो प्रीमियम चार्ज करेंगे, तो 10 वाला शेयर 500 में बिक रहा है, SBI का फेस वैल्यू 1 है वो 600 में बिकता है, ठीक है, तो आप ऐसे ऑड नहीं होना चाहिए आपको, 5,000 हो तो भी चलेगा, ठीक है। इश्यू का टोटल इश्यू कितने का हो गया, 500 करोड़ का, टोटल इश्यू कितने का हो गया आपका 500 करोड़ का, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इश्यू इज 500 करोड़ और फेस वैल्यू आपका कितना है 10 करोड़। अब अंडरराइटर्स जो है ना वो क्या करते हैं, पहले तो एक बात समझना ध्यान, शायद मैंने बीच में बोला भी हो,
क्यों लाते अपने अंडरराइटर्स को, अगर आपको डर हो कि 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो प्रॉब्लम पड़ जाएगा, क्लियर है? तो सपोज रिलायंस कम अप विद एन एफपीओ, आईपीओ तो नहीं आ सकता उनका, ठीक है, एफपीओ लेके आए वो लोग, वैसे बीच में नहीं था उसका एफपीओ अदानी का, जो उन्होंने स्टेप बैक ले लिया उसके रिलेटेड, क्लियर है? मैं आपको जस्ट पूछ रहा हूँ कि अगर रिलायंस एफपीओ लेके आते हैं तो क्या इनको अंडरराइटर की जरूरत पड़ेगी वो गारंटी के लिए? नहीं नहीं पड़ेगी, क्यों? रेपुटेशन रेपुटेशन ज्यादा है, हाँ तो ये आपका भ्रम है, ठीक है? हर एक को अंडरराइटर की जरूरत पड़ती है, अंडरराइटर सिर्फ गारंटी का काम नहीं करता है, बहुत सारे और भी काम करता है। मैं बोल रहा हूँ, चलो आपको जितना समझ आ रहा है उसकी बात करते हैं, गारंटी के लिए भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है? रिलायंस जब भी एफपीओ लाएगा ना, कोई भी रेप्यूटेड कंपनी एफपीओ लाएगी तो वो भी अंडरराइटिंग करवाएगी, गारंटी वाला काम करवाएगी। क्यों? सुनो ध्यान से, रिलायंस का आज प्राइस मान लो ₹500 चल रहा है मार्केट में, अब देखना बहुत सारे डॉट कनेक्टेड है और बीच बीच में ये सब हेल्प करेगा, ठीक है? मेरे को फालतू का ज्ञान बांटने का शौक नहीं है, ये सब काम आने वाला है, तो एकदम ध्यान से सुनना आप लोग। ₹500 का प्राइस चल रहा है आज मार्केट में, तो वो लोग जो प्राइस पे शेयर लेके आएंगे, मतलब आईपीओ नहीं ला रहे एफपीओ ला रहे, तो मार्केट में अगर ₹500 चल रहे हैं तो क्या लगता है आपको, आज जो प्राइस इश्यू किया जाएगा वो ₹1,000 हो सकता है कि हम नया शेयर इश्यू कर रहे हैं ₹1,000, मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 500, ऐसा हो सकता है कि अभी जो मार्केट में बिक रहा है आपके पुराने शेयर्स वो ₹500 बिक रहे हैं और आप नए इश्यू कर रहे हो ₹1,000? नॉट पॉसिबल। 100 में कर दोगे ₹100 में, वो भी पॉसिबल नहीं है ना, वो भी क्यों है? एक्चुअली आपका जो नया एफपीओ में जो शेयर बिकेगा ना, वो इसके आसपास बिकेगा, और एकदम पिन पॉइंट पकड़े ना तो इसमें थोड़ा डिस्काउंट। क्यों डिस्काउंट? क्योंकि जो अब आप में आपके एफपीओ में वो जो शेयर बाय करेगा उसको लाइन में लगना पड़ेगा ना, कि एक के लिए 10 एप्लीकेशन आई है तो शायद आपको मिले भी नहीं भी मिले, और अगर वो लाइन में लग रहा है तो उसको थोड़ा तो कुछ फायदा मिले, तो शायद ये 480 या 470 में इश्यू हो जाएगा, क्लियर है? ये कंफर्म है, इसके आसपास ही इश्यू होगा। आप ₹100 में तो नहीं दोगे ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आयो समझ, दे देंगे हाँ तो ठीक है, नहीं देंगे आपको, ठीक है, ₹500 प्राइस है, उसके आसपास ही देंगे, क्लियर है? अब आप ध्यान दो, आपको ऐसा लग रहा है कि रिलायंस वाले को कोई अंडरराइटर की जरूरत नहीं है, तो रिलायंस ने आज अनाउंस करा है कि आफ्टर 1 मंथ वी विल कम अप विद एन एफपीओ, और उसका डेट है कि 21 फरवरी को आप सब्सक्रिप्शन अपना स्टार्ट होगा और 26 को क्लोज होगा, और 27 से 28 को हम अलॉटमेंट करेंगे, उन्होंने आज अनाउंस कर दिया है। और प्राइस क्या रखी है? 470 रखी है। 470 का सोर्स क्या है? मैं एफपीओ की बात कर रहा हूँ, उसने अपना करंट मार्केट प्राइस देखा और उसमें थोड़ा डिस्काउंट दिया आपको, कि आप डिस्काउंट ले लो, क्योंकि आप लाइन में लगोगे ना, शायद आपको मिले नहीं मिले तो ₹20-30 का डिस्काउंट है, क्लियर है? अब उन्होंने अंडरराइटिंग नहीं करवाया था, और जैसे ही अनाउंस हुआ उसके 5 या 7 दिन के बाद कोई ऐसा मेजर इवेंट हुआ जो नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है शेयर प्राइस को, उसकी करंट शेयर प्राइस को, क्लियर है? और मान लो 8 फरवरी और 9 फरवरी को ऐसा कोई इवेंट हुआ जिसने करंट मार्केट प्राइस को फॉल करवा दिया ₹220 पे, कितने में फॉल करवा दिया? 220। तो क्या लग रहा है, अब आप लोगे 470 में? नहीं लेंगे अपने, तो ये फेल हो गया ना इसका सब्सक्रिप्शन। और अगर एक बार आपका सब्सक्रिप्शन या एफपीओ फेल होता है ना, तो वो लाइफ टाइम आपके लिए वो काइंड ऑफ, कि भाई आपने एक आईपीओ या एफपीओ आपने प्रॉपरली रोल आउट नहीं करवाया है, तो फ्यूचर में जब भी आप लाओगे ना तो आपके लिए चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्लियर है? सो इवन दो कितनी भी रेप्यूटेड कंपनी हो, सबको अंडरराइटर का हेल्प लेना पड़ेगा फॉर गारंटी। हाँ मैं बात अलग कर रहा हूं कि अंडरराइटर का काम गारंटी के अलावा भी बहुत सारा होता है, मतलब जो रियल लाइफ प्रैक्टिस है ना अंडरराइटर्स की, उसमें आपको जाके उनको बोलना है कि वी वॉन्ट टू कम अप विद एन आईपीओ और एफपीओ, आपका बोलना और लास्ट तक आपके अकाउंट में पैसे आए ना, वो सब काम अंडरराइटर करेगा, ठीक है? आपको नहीं करना है, आप आपके लिए कितना चैलेंजिंग है, आप रोज रहते हो एफपीओ और आईपीओ, डे इन डे आउट आपका काम है, आप तो वंस इन अ लाइफ टाइम होगा ना, या ट्वाइस और थ्राइस इन अ लाइफ टाइम होगा, कंपनी तो ऐसे ही आती है एफपीओ और आईपीओ लेके, मतलब पूरी लाइफ टाइम में 2-3 बार होगा मैक्सिमम, क्लियर है? तो आपके लिए कितना चैलेंज है कि कितने फॉर्मेट के फॉर्म भरने हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, और कैसे एडवर्टाइजमेंट देना है, एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा, ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए
आपके आपके लिए ज्यादा चैलेंज हो जाएगा कि अंडर राइटर्स को ज्यादा चैलेंज होगा? आपको अंडर राइटर तो रोज कर रहे हैं, आज आपका कर रहे हैं, कल किसी और का करेंगे, तो उनके लिए डे इन डे आउट वाला काम है। तो अंडर राइटर का स्कोप बहुत बड़ा है, वो लोग सिर्फ गारंटी नहीं दे रहे, साथ में जो ऑपरेशनल काम है वो भी वही करते हैं। क्लियर है? और ये जो अंडर राइटिंग कमीशन है ना, जनरली वो परसेंटेज में कोट होता है। अंडर राइटिंग कमीशन जो कोट होता है वो किसमें कोट होता है? परसेंटेज में। और ये फ्लोटेशन कॉस्ट को परसेंटेज में कोट करने का स्टाइल ये अंडर राइटर से ही आया है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप ध्यान दो यहां पे, ये आपका एफपीओ है, 1 करोड़ शेयर्स जिसका फेस वैल्यू 10 है, तो टोटल फेस वैल्यू कितना है? 10 करोड़। और अंडर राइटर ने क्या बोला है कि मेरा कमीशन होगा 0.5%। कमीशन विल बी व्हाट? 0.5%, जिसमें वो क्या करेगा, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेगा और आपको गारंटी भी देगा, अगर आपका 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो सारे शेयर्स कौन लेगा? अंडर राइटर। और उसने क्या बोला कि 0.5% इज योर कमीशन। क्या लगता है किस पे 0.5%? 10 करोड़ पे कि 500 करोड़ पे? ऑब्वियसली 500 करोड़ ना। अगर वो रिस्क गारंटी 500 करोड़ की ले रहा है कि 10 करोड़ की ले रहा है? 500 करोड़ की। अगर आप नंबर गिनोगे ना तो 10 करोड़ का 0.5% कितना होता है? 5 लाख रुपीज, नॉट 50,000, इट इज 5 लाख। 10 करोड़ का 1% 10 लाख होगा, अपने हाफ परसेंटेज कर रहे हैं 5 लाख, और 500 करोड़ का 5% होता है 2.5 करोड़। तो एक्चुअली 5 लाख रुपए के लिए वो 500 करोड़ का गारंटी थोड़ी ले लेगा, ठीक है? और इतना सारा लीगल फॉर्मेलिटीज करना है तो उसको कितना कमीशन मिलने वाला है? 2.5 करोड़ फॉर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 500 करोड़। क्लियर है? तो मैं आपको लिंक समझा रहा हूं कि फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज टर्म में कोट करने का स्टाइल आया कहां से? अंडर राइटिंग कमीशन। और अंडर राइटिंग कमीशन मीन्स वो फ्लोटेशन कॉस्ट ही है। आप अपना शेयर फ्लोट करवा रहे हो तो अंडर राइटर को पकड़ना पड़ेगा, वो सारा काम कर देगा, बट फॉर दैट ही विल चार्ज सर्टन परसेंटेज, एंड दैट इज अ परसेंटेज ऑफ योर इश्यू प्राइस, नॉट फेस वैल्यू। क्लियर है? सो व्हेनेवर दे कोट अ फ्लोटेशन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ इश्यू प्राइस। कंफर्टेबल है? तो नोट करके लिख लो ना आप ये वाली बात। आप पहले ये लिखना कि आंसर क्या सही था। 8.50 इज द करेक्ट आंसर। लिखना नोट कर, इफ फ्लोटेशन कॉस्ट नोट कर गया, इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इट इज परसेंटेज ऑफ इश्यू प्राइस, इट इज परसेंटेज ऑफ इश्यू प्राइस। चलो, है कोई कंफ्यूजन? आप लोग क्या सीखे? एक फॉर्मूला केडी का, आई अपॉन एनपी इनटू 100, नेट प्रोसीड मींस इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फिर एक नया टर्म जो आया, इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो परसेंटेज आपको इश्यू प्राइस पे गिनना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। हाँ, वो 2.5 करोड़ के सामने, एक्चुअली ना 500 करोड़ मैंने गलत बोला, वो 90% सब्सक्राइब करेगा। गारंटी क्या है कि आपका जो आईएफपी है वो फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वो आपको 90% का गारंटी, मतलब अगेन इट इज अ ओटीसी डील, ओवर द काउंटर डील है। कोई बोले कि सर हमको, मैंने जो अंडर राइटिंग करवाया ना वो पूरे 100% का करवाया है, तो फिर वो आपको 100% देगा। ये ऑप्शन भी होता है, आप शायद ऑड लगेगा, एकेडमिक में नहीं आता है, कि आप ना सिर्फ 50% का अंडरराइटिंग करवाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि जितना अंडरराइटिंग करवाओगे उतना आपका कमीशन बढ़ेगा। तो आपका आपका ऐसा थॉट है कि भाई 50% तो हो ही जाएंगे,
तो मेरे को बाकी के 50% का अंडरराइटिंग करवाना है, ये सब पॉसिबल है, क्लियर है? लॉ के हिसाब से आपको कितना मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन करवाना है, 90, तो आप 90% का करवा रहे हो, और कोई बोले कि मेरे को पूरा ही करवाना है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन अ नॉर्मल नॉर्मल सर्कमटेंसेस। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने पूरा अंडरराइटिंग करवाया, पूरा मतलब 100% का, ठीक है? आप पढ़ोगे अंडरराइटिंग चैप्टर भी है पूरा, शायद शायद ये ग्रुप में ही है ना, अंडरराइटिंग एडवांस अकाउंट में आया होगा, मतलब आएगा, नहीं आया होगा तो मेरे को याद नहीं एक्चुअली, वो पेपर नंबर 5 में है कि यहाँ पे है सब, नहीं मैं सब आप ना एक चीज और समझना, अगर कोई आपको वो 500 करोड़ दे रहा है तो वो सारे शेयर्स भी उसी के हैं, फिर जो आपने जितने इश्यू करने हैं ना, वो सारे शेयर्स किसके हो गए, अंडरराइटर के हो गए, फिर वो जैसे उसको बेचना चाहे वो बेच सकता है। चलो एक आप एग्जाम्पल लिखना, लिखना एबीसी लिमिटेड, इश्यूड डिबेंचर ऑफ ₹100, डिबेंचर ऑफ ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25, मतलब 125 में आपने इश्यू करा है, फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, 2% किसका, 125 का का इंटरेस्ट रेट 12% एंड मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर 128 रुपीस। आप लोग करो ना, मैंने कहा होगा आपको जो करना है। एक्चुअली ये आना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए अगर आपने ध्यान से प्रॉपर वो सुना है तो, ठीक है? अभी जो डिस्कस कर रहे थे, चलो 2 मिनट है आपके पास, देख लो, चलो क्या करना है।
चलो एक बार है ना फॉर्मूला लगाते हैं अपने, केडी इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। हाँ ओके इंटरेस्ट इज व्हाट, 12% ऑफ 100 तो 12 रुपए होगा। नेट प्रोसीड इज व्हाट, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। नहीं नहीं पहले इश्यू प्राइस बोलो ना, क्या मतलब आप ना कंफ्यूज क्यों है, उसका कोई रीजन ही नहीं है, मतलब क्यों होना है कंफ्यूज। आपके फॉर्मूला में इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इश्यू प्राइस तो दिया है ना आपको। अरे यहाँ पे ये एक नहीं चार चीज और लिखते तो अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। अब अभी वो लोग ये लिखते हैं कि मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, तो आप वो भी कंफ्यूज कर दे कि भाई क्यों इक्विटी शेयर लिखा हुआ है। आपको फर्क क्या पड़ रहा है, जो आपके फॉर्मूला में रिक्वायरमेंट है वो आपके पास सीधा अवेलेबल है, और इन्फॉर्मेशन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्लियर है? तो आपके पास इश्यू प्राइस बहुत क्लियर कट बोला हुआ था, दैट इज व्हाट 125। एंड द मोमेंट यू कीप इश्यू प्राइस, आपका फ्लोटेशन कॉस्ट उसी पे गिनना है। क्यों उसी से गिनना है, क्योंकि उसमें से माइनस करना है। ठीक है, मतलब 125, 125 में से 125 का 2%, बोलो क्या रहे, 2.5। सी लाइटर नोट पे पहले मैंने भले बोला, बट अभी है ना वैसे यहाँ पे ना आपका अमाउंट जो रखोगे ना इश्यू प्राइस, आपने 125 रुपीज रखा है, ये मार्केट प्राइस अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं हुआ इसका 128 का, बट है उसका सिग्निफिकेंस है, अभी अपने देखेंगे उसको। क्लियर है? तो जैसे ही आप एक बार ध्यान से सुनना, ये जो परसेंटेज है ना आप यहाँ पे जो अमाउंट रखोगे ना उसी पे कैलकुलेट करना है, ये याद रखना। अभी आपका इश्यू प्राइस कितना है 125, तो 125 का 2%, 2.5 रुपीज आ रहा है। ओके देन इंटू 100, सो 12 डिवाइडेड बाय 122.5 इंटू 100, 9.79 और 80 सेम है। चलो एक एक क्वेश्चन का आंसर करो, ये परफेक्ट आंसर है, 9.79 इसी करेक्ट आंसर। ओके अब आप एक बार ध्यान से सुनना, अपने ना ये जो डिबेंचर आपका है यहाँ पे वो कितने में मार्केट में बिक रहा है, और व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ दिस डिबेंचर, 100 है ना। अपने इक्विटी शेयर की बात करते पहले, इक्विटी शेयर का मान लो आज नई नई कंपनी जस्ट स्टार्ट हुई है और उन्होंने शेयर इश्यू करे, क्लियर है, मतलब आज जस्ट उन्होंने इनकॉर्पोरेशन करा और वो आईपीओ लेके आ गए। वैसे ऐसा होता नहीं है, आपको एक आईपीओ लाने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, आप आगे जब लॉ में पढ़ोगे तो आइडिया आएगा, बट एक बार हाइपोथेटिकल सिनारियो में मान लो आप, क्लियर है, तो कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू रखा है 100 रुपए, ठीक है, फेस वैल्यू क्या है 100 रुपए, और क्योंकि जस्ट कंपनी स्टार्ट हो रही है ना तो आप 100 वाला 500 में नहीं बेच सकते, ठीक है, वो तो क्या है ओवर अ पीरियड आप बहुत सालों से चला रहे हो कंपनी, फिर उसका फेस वैल्यू 100 था और आप 500 600 में बेचो तो चलेगा, बट मैं बोल रहा हूँ कंपनी जस्ट स्टार्ट हुई है और उसी दिन वो लोग आईपीओ ला रहे हैं, तो इन्होंने इसका मार्केट प्राइस भी क्या रखा हुआ है, और वी कैन से इश्यू प्राइस भी क्या रखा हुआ है 100। क्लियर है? ओके पैरेलली ऐसे कंपनी ने 10 करोड़ रुपए इक्विटी से रेस करे और कुछ करोड़ वो लोग डिबेंचर से रेस करना चाह रहे थे, तो उन्होंने 100 रुपए वाला डिबेंचर भी इश्यू करा है जिसका फेस वैल्यू कितना है 100, और उस पर 12% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट जो भी दे रहे हैं वो 12 10 जो भी रेट है, और डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 और इश्यू कितने में कर रहे हैं 100 में, बट डिबेंचर वालों को कमिटेड रिटर्न है, 12% हर साल उनको मिलता रहेगा, और मान लो कि इसका लाइफ 20 साल या 25 साल कुछ है। क्लियर है? या चलो लाइफ को एक बार छोड़ो, वो परपेचुअल है, वैसे होता नहीं परपेचुअल, बट टाइम बिंग आप परपेचुअल मानो इसको। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करा और 1 2 साल के बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट जनरेट करा, और साल में देखो 10 करोड़ यहां से लिए और 2 करोड़ यहां से लिए, टोटल कितने करोड़ लगे हुए हैं 12 करोड़, तो पहले दूसरे साल कंपनी ने लॉस करा, लेट से, क्लियर है, तो लॉस करा है तो इसको तो 12 रुपये मतलब 12% मिल ही रहा होगा, इसका ना इसको कुछ मिलता नहीं है, इक्विटी शेयर को कुछ कमिटेड नहीं होता है, और लॉस कर रहे हो तो कुछ ही नहीं होता है। क्लियर है? तो ये जो प्राइस था ना वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि आप पहले 2 साल क्या कर रहे हो लॉस,
फिर तीसरे साल से लेके थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो टर्न अराउंड है और कंपनी एकदम सिग्निफिकेंट प्रॉफिट कर रही है। और मैं बोल रहा हूं कि 12 करोड़, 12 करोड़ इसलिए टोटल फंड इन्वेस्टेड, और थर्ड थर्ड ईयर में उन्होंने 6 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, 6 करोड़ का प्रॉफिट, दैट इज आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट। फोर्थ ईयर में उन्होंने प्रॉफिट कर दिया 8 करोड़, और फिफ्थ करोड़ में प्रॉफिट कर दिया 20 करोड़। क्लियर है? क्या लगता है, आप एक बार ध्यान से सुनना, ये जो प्रॉफिट सडनली बढ़ा है, पहले 2 साल में आपका लॉस हुआ था ना, तो ये 100 रुपए वाला जो प्राइस आपने इक्विटी वाला इश्यू करा था वो कम होके 80 हो गया था, 2 साल आपका लॉस चल रहा था। अब तीसरे चौथे और पांचवें साल ये प्रॉफिट बढ़ा है, तो क्या लगा होगा उसका शेयर प्राइस पे, इक्विटी शेयर प्राइस पे क्या इंपैक्ट आया होगा? बढ़ा होगा ना, और इंक्रीज होके मान लो 350 रुपए हो गया, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्लियर है? मतलब आप 6, 8 और 20 करोड़, 12 करोड़ लगाए हैं और अराउंड 30 करोड़, 34 करोड़ तो आपने जनरेट कर दिए, तो वो 350 रुपए शेयर प्राइस हो गया। कंफर्टेबल है ना? तो इक्विटी शेयर को मूवमेंट करवाने के लिए आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस मैटर करता है। कंपनी अगर बेटर परफॉर्म कर रही है तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, और अगर अंडर परफॉर्म कर रही है तो उसका शेयर प्राइस क्या होने वाला है? कम होने वाला है। कंफर्टेबल है? तो अपने को अगर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 100 रुपए हो और उसका प्राइस 300 हो जाए, 500 हो जाए, तो अपने को कोई दुख नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल है एकदम। क्लियर है? मैं आपको ये सब एक्सप्लेन इसलिए करा है, अपने ये जानना चाह रहे हैं कि डिबेंचर का प्राइस कैसे मूव करता है। आप जब लॉस कर रहे थे, ये तो लोन लेना हुआ ना, डिबेंचर मीन्स व्हाट? आपने लोगों से लोन लिया है, तो आपने किसी से लोन लिया हो तो उसको उसका प्राइस थोड़ी चेंज होता है, लोन का तो अमाउंट वही का वही रहेगा। जैसे 100 रुपए का फेस वैल्यू है और आपने 100 रुपए में इश्यू करा था, पहले 2 साल कंपनी ने लॉस करा, तो उसको तो मिल रहे हैं 12 रुपए, उसको क्या प्रॉब्लम है? आप लॉस करो नहीं करो, प्रॉफिट करो, उसको 12 रुपए मिलेंगे। ठीक है? तो क्या लग रहा है, जब पहले 2 साल कंपनी लॉस कर रही थी तो ये डिबेंचर का प्राइस ये कम हो जाएगा, जैसे इक्विटी का कम हुआ, नहीं होगा ना? फिर आपने जब प्रॉफिट करना स्टार्ट करा, ठीक है, वो 6 करोड़, 8 करोड़, 20 करोड़, तो इक्विटी का प्राइस तो 350 हो गया, तो आपका भी प्राइस बढ़ जाएगा, फिर बढ़ेगा ही नहीं ना, चेंज ही नहीं होगा। होगा चेंज? नहीं कितने को लग रहा है कि चेंज हो सकता है? कि मैं बोल रहा हूँ वो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? मैं मेरा क्वेश्चन क्या है पता है, जो लेटर पार्ट में कोई ना कोई पूछेगा कि सर डिबेंचर का प्राइस 100 रुपए का फेस वैल्यू है तो आपने 128 कैसे रखा, उसको 28 रुपए कहां से एक्स्ट्रा मिले? मतलब हाउ वी कैन से दैट कि डिबेंचर मीन्स लोन। आप बैंक से लोन ले लो तो 10 लाख का लोन लिया है तो 12.5 लाख थोड़ी वापस करना है, उसको इंटरेस्ट देना है जो देना है वो, और 10 लाख वापस करना है, तो डिबेंचर भी तो यही है, डिबेंचर भी तो यही है। आपने लोन लिया है, 100 रुपए का लोन लिया है, हम उस पर रेगुलर इंटरेस्ट दे रहे हैं, और अब वो ये बोल रहा है कि लोन भले 100 रुपए का था, आज उसका मार्केट वैल्यू 128 हो गया लोन का, कैसे पॉसिबल है? इक्विटी शेयर का तो हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें तो परफॉर्मेंस से लिंक है वो। हाउ दी मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर विल बी क्वांटिफाइड, वो कैसे निकलता होगा? चलो मैं ऐसा वापिस बहुत सिंपल कर देता हूँ, अपने बहुत ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, एकदम बेसिक ऑपरेट करे, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि डिबेंचर का फेस वैल्यू अगर 100 रुपए है तो उसका मार्केट प्राइस 100 ही रहेगा कि वो 128 हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है वो बताओ, हो सकता है? रेट हाँ, रेट तो होता है यार, वो तो कंफर्म है। डिमांड कैसे, इक्विटी शेयर का डिमांड कैसे क्रिएट होगा? कंपनी ने बेटर परफॉर्म करा तो आपने डिमांड क्रिएट करा, कंपनी ने पिछले साल 10 करोड़ कमाया था, इस साल 1000 करोड़ कमाया, तो इक्विटी वाले खुश है ना, डिबेंचर वाले को क्या खुश होने की जरूरत है, उसको तो वही मिल रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसका प्राइस बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूं। हाँ, इंटरेस्ट ज्यादा देंगे ऐसा? क्या खाया तुमने? इंटरेस्ट मतलब ऐसा कोई देखा आपने कि भाई आपने मेरे को लोन दिया है, इस साल मैंने प्रॉफिट ज्यादा करा है तो आप डबल इंटरेस्ट रखो, कोई ज्यादा नहीं देता है आप, ये सब वो अपने अपने थॉट अपने ऐसे नहीं सोच रहे, आप रैशनल सोचो, इंटरेस्ट कोई ज्यादा नहीं देने वाला है। तो अगर इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिलता है तो मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और सोचना चाहिए आपको, आप लोग
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपको। अगर जो कोई बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहा है ना, लेटर पार्ट में कोई ना कोई आता है ये क्वेश्चन लेके, और मैं बोल भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि आ चुके लोग ठीक है फिर अपने ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ डिबेंचर प्राइस विल बी क्वांटिफाइड इन अ मार्केट। और वो मैं बीच में बोल गया था कि जैसे इक्विटी शेयर डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होता है ना, वैसे डिबेंचर का भी डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होता है। बट कौन से फोर्स है या कौन से ड्राइवर्स है जो डिबेंचर की वैल्यू को ड्राइव करेंगे? इक्विटी को कौन ड्राइव करेगा? कंपनी का परफॉर्मेंस। वैसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं बट आप कंपनी का परफॉर्मेंस समझ पाओगे ठीक है। तो अपने वो बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है बोलो, डिबेंचर्स को कौन ड्राइव करता है? कौन ड्राइव करता है? नहीं, इंटरेस्ट रेट ना, किसने बोला? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, एज सच इंटरेस्ट रेट इज द करेक्ट आंसर बट उसका एक्सप्लेनेशन मेरे को चाहिए। तो हर बार सही होता है ऐसा। जो कॉन्टेक्स्ट में वो इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिलेगा वो समझ लूँ, इंटरेस्ट तो वही मिलने वाला। चलो ध्यान देना आप लोग, अपने इसको डिस्कस करते हैं एंड फिर है ना वो इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना आपके कैलकुलेशन में, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है। चलो पहले सिर्फ अभी जाना है तेरे को, मैं गेट खोल के देता हूँ। चल कितने लेक्चर आज? दो के तीन लेक्चर। लास्ट में रहा वो, लास्ट जानबूझ के रखा है वो, पता है। वैसे ना लास्ट लेक्चर में ना फर्स्ट प्रायोरिटी विक्रम सर की होती है, फिर मेरी होती है, ऐसा है ठीक है। चलो आप एक बार ध्यान देना, आप लोग एकदम फोकस करना यहाँ पे, और ये काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन है आपके लिए कि है ना, सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं ठीक है अगर ध्यान दोगे तो। और बीच बीच में जो चीजें सीखे ना, ये मैं आपको, मैंने वो नहीं बोला फ्लोटेशन कॉस्ट, व्हाई इट इज कंसिडर ऑन इश्यू प्राइस। 2016 या 17 में एक स्टूडेंट है जो फाइनेंस में अप्लाई कर रहा था, और उसको ना इंटरव्यू में ये पूछा था कि क्यों फ्लोटेशन कॉस्ट, और अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था क्लासरूम में ठीक है। उसके बाद अब मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा, और कुछ लोगों ने पूछा भी था बाद में कि व्हाई इट इज ऑन इश्यू प्राइस ठीक है, वरना आपने वहां अटक जाते कि इश्यू प्राइस पे गिनना है, आप गिन लेना क्लियर है। सो ये सब है ना काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन है, सेम गोज विद डिबेंचर वैल्यूएशन ऑफ। चलो ध्यान देना आप लोग, मान लो अपने 1 जनवरी 2010 पे है ठीक है, और एस बी आई, या इसको डेट जाने दो, चलो यू आर एट जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, और एस बी आई को कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है एंड दे कम अप विद एन डिबेंचर ठीक है। वो डिबेंचर्स इश्यू करना चाह रहे हैं, और टोटल उन्होंने 10 करोड़ के डिबेंचर इश्यू करें, और हर एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना रखा है? 100 रुपीज। टोटल अमाउंट को जाने दो, 100 रुपीज इज द फेस वैल्यू, और उन्होंने इश्यू भी कितने में कर दिए? 100 रुपीज में, और उसका जो टेन्योर उन्होंने रखा है वो है 20 ईयर्स। क्लियर है? मैं आपको बहुत बेसिक पूछ रहा हूँ, शायद अपने फाउंडेशन में टीवीएम पढ़ा होगा ना तो ये डिस्कशन आया होगा, बट स्टिल एक बार मैं वापस पूछ रहा हूँ कि इस पे जो रेट डिसाइड होता है ना कि डिबेंचर पे, या बहुत बेसिक क्वेश्चन कहता हूँ, चलो आप इन्वेस्टर हो, आपको एसबीआई को पैसे देने हैं, और एसबीआई दो ऑप्शन दे रही है कि या तो एफडी में दे दो, या तो हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं उसमें आप पैसे दे दो, और दोनों में आपको 8% का रिटर्न कमिट किया जा रहा है ठीक है। आपको, आपके पास 10 लाख रुपए है, और एसबीआई आपको दो चॉइस दे रही है, या तो डिबेंचर में दे दो या तो एफडी में दे दो। चलो दोनों में रिटर्न कितना दे रहे हैं वो? 8। तो किस में दोगे आप पैसे? एफडी सोचते हैं अपने बोलने से पहले, बोलो किसमें दोगे आप पैसे? एफडी एफडी में कितने लोगों को लग रहा है कि मेरे पास 10 लाख है तो अपने एफडी में देंगे, दैट इज अवर फर्स्ट चॉइस। एफडी में देने वाले कितने लोग हैं? और दोनों में रेट 8 ही मिल रहा है, 8।
दोनों में रेट 8 ही मिल रहा है, एफडी में लगाओ तो भी 8 और डिबेंचर में लगाओ तो भी 8। एफडी में हो गए तो बाकी सब लोग डिबेंचर में मान रहे हैं, क्यों डिबेंचर में? उसकी मार्केट प्राइस, एक मिनट सुनो, उसकी मार्केट प्राइस कम भी तो हो सकती है। हाँ मतलब वही बात है, एक बार सुनो ध्यान से। आपको है ना यहाँ पे ना वो 8-8% देख के ही आंसर करना था कि वी विल इन्वेस्ट इन एफडी। डिबेंचर में हम तब जा सकते हैं जब वो रिटर्न ज्यादा प्रोवाइड करे, ठीक है? अगर वो कमिट करे कि रिटर्न ज्यादा है, 8-10, 8 की जगह 9-10-11 है, तो आप जाओगे। फिर अगर आप ऐसे ही करोगे तो इक्विटी में दे दो 8% पे, लाओ इक्विटी में दे देते, 8% रिटर्न मिलेगा आपको। सी एक चीज और सुनना ध्यान से, हाँ, जब आप रिटर्न प्लॉट करते हो ना, किसी का ये दिमाग चलेगा, या मैं बहुत शायद मैंने बीच में एक एग्जांपल दिया था आपको, वापस से दे रहा हूं, ध्यान देना। वो तीन कैटेगरी ऑफ बिजनेस याद करो आप, कि एक नॉर्मल ट्रेडिंग का बिजनेस है, ठीक है, और एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और एक अपने इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और सब लोग आपके पास 10 लाख रुपए मांगने आए, आपके पास है 10 लाख रुपए, मिस्टर ए बी सी तीनों मांगने आए, ये क्या बोल रहा है? मैं 15% कमा के दूंगा। ये भी बोल रहा है मैं 15%, और ये भी क्या बोल रहा है? 15%। तो मैं पूछता हूँ कि आप पैसा किस में लगाओगे? तो एक थॉट क्या आता है कि सर क्या फर्क पड़ता है, सब 15 ही तो देने वाले हैं। नहीं, एक सुनो ध्यान से, ये गारंटीड नहीं होता है कुछ भी 15, ये तो एस्टिमेटेड है, ठीक है? कल को उन्हें नहीं मिले तो वो आपको देखना है। आप इक्विटी में पैसा लगाते हो और वो बोले कि 15% रिटर्न आता है हमारा, 10 साल से आ रहा है, ठीक है, तो वो गारंटी थोड़ी होता है, वो तो एस्टिमेटेड है। तो ये रिटर्न क्या होता है आपका? एस्टिमेटेड। हाँ, अगर आप एफडी में लगा देते हो तो जनरली वो गारंटीड है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है, क्लियर है? तो आप यहाँ पे तीनों पे 15 है ना, तो आप ये वाला चूज करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग को आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर वो आए कि हम 65% रिटर्न देंगे, तो शायद उसको भी हम इन पैसे लगा सकते हैं। मतलब आपने भी बोला ना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो वही बात हो रही है कि यहाँ पे ध्यान दो, एफडी और डिबेंचर के कंपैरिजन में एफडी में रिस्क कम है। अगर वहां पे 8 मिल रहा है तो डिबेंचर पे 8 पे नहीं लगाने चाहिए। और आप समझो ध्यान से, वापस से एक डाउट आ सकता है कि सर एफडी में भी तो पैसे कमिटेड है और डिबेंचर में भी तो कमिटेड पैसे मिलते हैं, डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनना आप लोग, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी ना, तो एफडी जो है, एसबीआई के पास जो एफडी है, उसका इंश्योरेंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आप बैंकिंग में पढ़ोगे अभी, यहाँ आ गया होगा, ठीक है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, सब आएगा, टेंशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उसका इंश्योरेंस, हर एक डिपॉजिट अप टू 5 लाख तो 100% सिक्योर होती है। अगर बैंक बंद हो जाए ना कल को, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे यू दैट अमाउंट। डिबेंचर में ऐसा नहीं होता है, बैंक बंद हो गई तो आपके डिबेंचर भी गए, क्लियर है? तो इन दोनों में ज्यादा सेफ्टी कहाँ है? एफडी में। तो आप एफडी में लगाओगे तो डिबेंचर पे अगर आपको जाना है ना, तो यू विल आस्क फॉर 9-10, मतलब इससे कुछ ज्यादा। कितना ज्यादा वो क्वांटिफाई हम लोग नहीं कर पाएंगे अभी, बट लेट्स से डिबेंचर पे कितना मिलेगा आपको? 10। एक है ना, एक काइंड ऑफ टाइमलाइन जैसे, आप ध्यान दो, कोई भी प्रोजेक्ट में जब आप पैसे लगाते हो ना, तो यू हैव टू क्वांटिफाई कि हमको कितना रिटर्न कमाना है, ठीक है? आपको ये क्वांटिफाई करना पड़ेगा। तो क्वांटिफाई करने के लिए क्या चाहिए? जो कंट्री में आप पैसे लगा रहे हो ना, उस कंट्री का इन्फ्लेशन रेट, ठीक है? ये बात हुआ है अभी, ठीक है? जो कंट्री में आप, जैसे मैं एक बात बोलूं आपको कि एफडी इंडिया में भी है और यूएस में भी है, दोनों में सेम इंटरेस्ट रेट है, अलग है। यूएस का एफडी रेट और इंडिया में एफडी रेट, आपका फोकस है कि नहीं है? फोकस, चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यूएस का एफडी रेट और इंडिया का एफडी रेट सेम है कि अलग है? अलग है। कहाँ पे कम है एफडी रेट? चलो चलो मैं वो बता देता हूँ, यूएस में कम है शायद, चलो अब वो आपको पता, मैं तो शायद ही बोलूंगा, ठीक है? तो लेट्स से 4% है और इंडिया में 7 चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि एक जगह तो कम रखना पड़ेगा ना, अगर अलग है तो आपने यूएस में कम रख दिया, तो अगर ऐसा है तो आपने ये पढ़ना वढ़ना बंद कर दें, आप यूएस से बोरो करो और इंडिया में इन्वेस्ट करो। अच्छा
सेम ही होता है ना। तो आप यूएस से बोरो करो 4% पे और इंडिया में आके इन्वेस्ट करो, 3% तो कमाओगे ना। हाँ कोई देगा नहीं ऐसा साफ है। सी ये और है ना, मैं आपको एक रियल नंबर बता दू, ये रियलिस्टिक सिनारियो है जो रखा है ना, वो रियल सिनारियो है। यूएस में एफडी रेट कम है और इंडिया में एफडी का रेट क्या है, ज्यादा है। क्लियर है कुछ आंसर? इलॉजिकल तो इलॉजिकल नहीं नहीं, बट एटलीस्ट अपने को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बोल तो रहा है, ठीक है। आपने बहुत सारे लोग बोलते भी नहीं है। सो ये रियलिस्टिक सिनारियो है। सी ध्यान से सुनना, कोई भी कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, एफडी का इंटरेस्ट रेट, उसको ड्राइव करता है वो कंट्री का इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। जैसे मान लो यूएस में इन्फ्लेशन रेट 1 है, अभी अभी लेटेस्ट सिनारियो में वो हायर साइड है, बट लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन वहां का हायर नहीं होता है, ठीक है। शॉर्ट रन में अभी भले हायर साइड हो, और यहां पे आपका इन्फ्लेशन रेट है 4%। तो आप समझो ध्यान से, अगर आप 100 रुपए लगा के इंडिया में 107 कर रहे हो ना, तो 7% आप जनरेट कर रहे हो, बट 4 तो इन्फ्लेशन में गया, तो आपके पास बचे कितने, 3। मैं लमसम कैलकुलेट कर रहा हूँ, इतना लमसम नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट और एक्यूरेट होता है। अब यूएस में $100 लगा के 104 बना रहे हो अगर, तो उसमें से आपका 4 में से 1 कहाँ गया इन्फ्लेशन में, तो आपके पास कितने बचे, 3। ये 3 जो है ना, इसको बोले थे रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। वो हर हर कंट्री में कॉमन होता है, बट जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है ना, जो अपने कोट करा जाता है, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। वो हर एक कंट्री में अलग है, क्योंकि हर एक कंट्री का इन्फ्लेशन अलग है। और जब आप एफडी में पैसा लगा रहे हैं ना अपने, तो हम लोग दो चीजें अचीव करना चाह रहे हैं, एक तो इन्फ्लेशन को बीट करना चाह रहे हैं, और दूसरा थोड़ा पैसा अपना ग्रो भी हो जाए। क्लियर है? तो एक बार ध्यान देना आप लोग, कोई भी इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न निकालना है ना, कि मुझे कितना रिटर्न एटलीस्ट कमाना पड़ेगा, तो वो ये टाइमलाइन से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जो कंट्री में आप पैसा लगा रहे हो, उस कंट्री का इन्फ्लेशन रेट देखो। वो इन्फ्लेशन रेट है ना, उस कंट्री का रेपो रेट डिसाइड करता है। रेपो रेट जो आरबीआई हर 3 महीने में चेंज कर दिए, और रेपो रेट उस कंट्री का एफडी रेट डिसाइड करता है, ठीक है। रेपो रेट वो आपकी कंट्री का एफडी। अब कहीं पे भी आप पैसा लगाओगे ना, मान लो इन्फ्लेशन 3 है, रेपो रेट 4 है, इंडिया की बात कर रहे हैं, और एफडी रेट 7 है। एग्जैक्ट ये नंबर्स नहीं है, नियर टू एक्यूरेट है, क्लियर है। तो एफडी का रेट कितना चल रहा है, 7। आपको कहीं पे भी पैसा लगाना हो, तो आप 7% तो मांगोगे। अब उसके बाद बात आती है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो असेट में पैसा लग रहा है, उसमें रिस्क कितना है, और जितना ज्यादा रिस्क होगा, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। मतलब मान लो इससे आगे जाए तो डिबेंचर थोड़ा रिस्की है, क्लियर है। इसके आगे और चले जाए, सो इससे आगे थोड़े और चले जाए तो इक्विटी शेयर आ जाएगा, या प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे क्या आ जाएगा, इक्विटी। अब इक्विटी में भी अलग अलग कंपनी में अलग अलग कैटेगरी का रिस्क होगा, ठीक है। आपको रिलायंस में लगाना हो और एस्ट्रल पाइप में लगाना हो, तो दोनों का रिस्क क्लास अलग है। एस्ट्रल पाइप में लगा के आप ज्यादा रिटर्न मांगोगे, क्योंकि वहां पे रिस्क क्या है, ज्यादा। तो ये बेसिक टाइमलाइन जैसा है आपके लिए, किस तरीके से डिसाइड होता है कोई भी जगह पे आप जब पैसे लगाते हो ना, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्लियर है? इन्फ्लेशन, रेपो रेट, एफडी रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, इसको बोला जाता है रिस्क प्रीमियम, ठीक है। जितना ज्यादा रिस्क है, उतना ज्यादा आप एक्स्ट्रा अमाउंट मांगने वाले हो। कंफर्टेबल है? ओके, अपने ओरिजिनल एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, चलो ध्यान देना आप लोग, एक मिनट, आप मैक्सिमम 3 या 4 मिनट का डिस्कशन है, आप देख लो, ठीक है। लिखना कुछ भी नहीं है, तो एक बार आप देख लो, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज T=0 पे SBI ने 100 रुपीज का फेस वैल्यू वाला डिबेंचर 100 रुपए में इश्यू करा है। लाइफ कितना है उसका, 20 साल, और रेट क्या रखा आपने, 8। तो T=0 पे मिस्टर एक्स एक पर्सन है जिसने SBI का एक डिबेंचर बाय करा था, कितने रुपए में बाय करा होगा, 100 में, और हर साल उसको कितना रिटर्न मिला होगा, 8%, 8-8 रुपए उसको मिल रहे हैं, और 10 साल आपके टोटल कंप्लीट हो गए, क्लियर है। और ये डिबेंचर की अभी भी कितने लाइफ बाकी रहा, और 10 साल बाकी है। कंफर्टेबल है ये?
10 साल के बाद एसबीआई को वापस से पैसों की जरूरत है और एसबीआई एक वापस से डिबेंचर इश्यू करना चाह रहे हैं 100 रुपीज वाला, बट इस साल है ना, इस बार वो पीरियड रखना चाह रहे हैं सिर्फ 10 ईयर। बोले 10 साल के बाद तो पैसे आने वाले, सब लोन हम रीपे कर देंगे, अब भी 20 साल के लिए पैसे नहीं चाहिए। तो वो लोग अगेन 100 रुपीज का फेस वैल्यू 100 रुपीज में वो इश्यू कर रहे हैं, उन्होंने इश्यू प्राइस भी क्या रखा है 100। अब इस बार वो लोग जब इंटरेस्ट डिसाइड करने गए ना, तो पिछली बार कैसे डिसाइड हुआ था, तो लेट से आपका जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 3, रेपो रेट 4 था, एफडी का रेट 7 था, तो डिबेंचर में आपने कितने दिए थे लास्ट टाइम, 8 दिया था। इस बार जब आप देखने गए तो इन्फ्लेशन 1.5 हो गया है, इन्फ्लेशन कितना हो गया 1.5, और आपका रेपो रेट 2.5 हो गया है, और अपने यहां पे ऐड करें तो ये 5.5 है, क्लियर है। और आप अपने डिबेंचर पे रिटर्न देना चाह रहे हो कितना, 6.5। ऐसा ही होगा ना, आप अभी इन्फ्लेशन कम हो गया तो हम डिबेंचर का रेट भी क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बार बोला है ये डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6.5। अब एक मिस्टर एक्स के पास एक डिबेंचर है जो आज से 10 साल पहले परचेस करा था और उसका 10 साल का लाइफ भी बाकी है। मिस्टर वाई एक सेपरेट पर्सन है, ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अ डिबेंचर ऑफ एसबीआई विद अ 10 ईयर लाइफ, 10 साल का जो लाइफ है ना उसमें वो इंटरेस्टेड है, क्लियर है। उसके पास दो चॉइस है, या तो मिस्टर एक्स वाला डिबेंचर मार्केट से बाय करे जिसका डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है, या तो एसबीआई के पास जाए और एसबीआई को बोले कि ये जो नया डिबेंचर इश्यू कर रहे हो ना आप, वो हमको दे दो, क्लियर है। क्या लग रहा है, अगर आप मिस्टर वाई हो तो आपको कौन सा डिबेंचर लेना चाहिए, मिस्टर एक्स का डिबेंचर ले ले वो बेटर है कि एसबीआई से नया वाला? किसने बोला एसबीआई से नया वाला ले लो? एसबीआई से जो डिबेंचर मिलेगा ना उस पे कितना परसेंटेज रिटर्न मिलने वाला है, 6.5। और मिस्टर एक्स के पास जो डिबेंचर है जो पहले से लिया हुआ है वो अगले 10 साल क्या रिटर्न प्रोवाइड करेगा, 8। तो आप बोलो ना, आप मिस्टर एक्स वाला डिबेंचर बेटर है कि एसबीआई जो नया दे रही है वो? मिस्टर एक्स वाला डिबेंचर तो वही है एसबीआई का, बट अपने वो मार्केट से ले रहे हैं। अब कैच क्या है, अगर आप मिस्टर एक्स के पास जाओगे ना अब, तो मिस्टर एक्स 100 रुपए में नहीं देगा, ही विल आस्क फॉर अ प्रीमियम। क्यों प्रीमियम मांगेगा, ये जो 1.5 1.5 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है, क्योंकि आज आप पैसे लगाओ 6.5 मिल रहा है, बट मिस्टर एक्स को एक्स्ट्रा कंफर्ट है ना 1.5 रुपए का, तो वो उसके लिए प्रीमियम मांगेगा। मैं प्रिसाइजली भी प्रीमियम बता सकता हूं, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े हो, तो मिस्टर एक्स के पास एक्स्ट्रा क्या है, प्रीमियम क्यों मांग रहा है, तो हर साल 1.5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, कितने साल तक 1.5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, 10 साल, 1.5 × 10, 15 रुपए एक्स्ट्रा है, वो 15 रुपए का पीवी करना पड़ेगा, 15 रुपए सीधे नहीं ऐड हो जाएंगे, 15 रुपए का पीवी करना पड़ेगा। मान लो 15 रुपए का पीवी आ रहा है 9, तो मिस्टर एक्स का जो डिबेंचर है आज मार्केट में ट्रेड होगा 109 रुपए में, कितने में ट्रेड होगा, 109। डिबेंचर को ड्राइव करने के लिए एक ही फैक्टर काम करता है, दैट इज इंटरेस्ट रेट, उसके अलावा कोई और फैक्टर डिबेंचर की प्राइस को ड्राइव नहीं कर सकता है। ये रेट 6.5 मतलब कम हो गया ना, तो आपके आपके डिबेंचर का प्राइस बढ़ गया, बिकॉज आपको 8 मिल रहा है, उल्टा हो जाता, मान लो आज डिबेंचर का रेट 10 हो जाता और आपको 8 मिल रहा होता, तो आपका डिबेंचर का प्राइस डिस्काउंट पे आ जाता। अगर मार्केट में भी 10 हो गया है आपको 8 ही मिल रहा है, तो कोई आपका डिबेंचर थोड़ी लेने वाला है, अगर ले रहा है तो फिर वो डिस्काउंट मांगेगा कि जो हर साल 2-2 रुपए का लॉस होगा उसको आज आप कंपनसेट करके दो, क्लियर है। सो बहुत सिंपल स्टोरी है, डिबेंचर की वैल्यू या उसकी प्राइस सिर्फ एक ही फैक्टर से ड्राइव होती है, दैट इज व्हाट, इंटरेस्ट रेट। एक्चुअली वो अगर आप पकड़े तो इंटरेस्ट रेट को कौन ड्राइव करता है, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट विल ड्राइव इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट विल ड्राइव व्हाट, वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। कंफर्टेबल है, Yes, sir. डन, चलो यहाँ तक रख दिया। Yes, sir.